में आ गए, चाहे किसी भी तरीके से आ गए, अगर आ गए सर, तो आपको सबसे पहले वो अगर पैसा दे के यहाँ पर आए हो तो एक ही मकसद होगा, पैसा कमाने के लिए आए हो यहाँ, और कोई दूसरा मकसद नहीं है, दूसरा कोई भी मकसद नहीं। जानो पहले, सीख लो, और अगर आप जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो कुछ भी नहीं कर सकते पूरी जिंदगी में। जहां भी कहीं भी चाहे 1 लाख का बिजनेस कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें वहां पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे भी सीखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, जो भाई लोग अभी पर्ल पे बैठे हैं, जो माताएं बहने वो भी पर्ल पे बैठी हैं, तो जरा सिस्टम को सीखिए और सिस्टम को सीख करके देखिए क्या मिलता है आपको। मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं जौनपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं इस पर्लवाइन इंडस्ट्री में, इस सिस्टम के अंदर मैं 7 महीने का स्टूडेंट हूँ, सिर्फ 7 महीने का। और इन 7 महीनों के भीतर सिस्टम में जब मैंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद इसको कंटिन्यू करता रहा, एक दिन भी बैक जाके मैंने नहीं देखा कि इसके अलावा भी कुछ हो रहा है। होता तो बहुत कुछ है, पर इस सिस्टम के आने के बाद लगातार सिस्टम को रीड करता चला गया, रीड करता चला गया, मुझे इस सिस्टम में कदम दर कदम मुझे बढ़ता चला गया मैं आगे, और आज की डेट में मैं क्वार्ज एंड एक्सेलसियर हूँ, और लगातार रोज सीख रहा हूँ। प्रतीक सर से फोन पे तो डेली बात नहीं हो पाती सर, लेकिन रोज मैसेज ग्रुप में डाल देते हैं, मैसेज मेरे मोबाइल पे, जैसे ही मैसेज आता है, शायद सर सुन रहे होंगे, और मैसेज तुरंत पिक करता हूँ, मैं मैसेज तुरंत देखता हूँ कौन सा मैसेज डाला सर ने। तो ये वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर कुछ इस सिस्टम के प्रति कमाने की भूख होगी, जिसके अंदर भूख होगी वही कर सकता है सर। कहने का मतलब ये है, इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे कहने का मतलब कि किसी ने कहा होगा इस बात को, मैंने भी सुना है, और मैं उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस करता हूँ अपने लाइफ में। खाली जेब और खाली पेट जो सिखा देगी, वो पूरी दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी और कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। तो आप देखो सर, क्या आपकी जेब खाली है, क्या आपका पेट खाली है? जिन लोगों ने 2250 रुपए दे के सिस्टम में आ गए सर, सोचो तो सही, क्यों आए थे, किसने समझाया था, क्यों सिखाया था? तो क्या उस चीज को सीरियसली समझ लेगा, उसको किसी लीडर को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद सीखना शुरू कर देगा। तो इस बात को मैं यहाँ पर रोक करके मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि जिन भाई लोगों ने पर्ल पे ज्वाइन कर लिया, दोस्त अब सीखने की कंडीशन में देखो तुम फायदा और नुकसान कितना कर रहे हो। सिस्टम को नहीं सीखे तो उसके न सीखने से नुकसान का इतना बड़ा एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि समझ में आएगा। सर, जब मैंने पर्ल, सर आवाज आ रही मेरी एकदम क्लियर? जब मैंने सिस्टम पे ज्वाइन किया पर्ल के बाद, कोरल जाने पे क्या होता है, कोरल जाने के बाद कोरल से ओनिक जाने पे क्या होता है, ओनिक जाने से क्वार्ज क्या होता है, इन चीजों के सीखने के बाद कंटिन्यू इस पे वर्क करता रहा, और अपनी टीम को सिखाता रहता हूँ, और उसके बारे में प्लान प्रेजेंटेशन पूरी रीड करके बताता रहता हूँ। मैंने देखा गलती क्या करते हैं लोग, सिस्टम में तो आ जाते हैं, सीखते नहीं तो उसका हर जाना नुकसान भरपाई क्या होता है, उसी के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे लाइन है, उनमें मेरी सभी लीडरशिप, अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने अपना क्वार्ज लेवल अपग्रेड किया है। दोस्तों, पर्ल वाले जो बैठे हैं, सभी को ये ध्यान से सुनिएगा कि आपको इस अपग्रेडेशन का, इस सिस्टम में आके अपनी जेब भरने का सिस्टम में कितना बड़ा पावर है। अगर उसको नहीं समझे तो जितना बड़ा नुकसान आज हमारे लीडर ने किया है, हमारे सीनियर ने, वो नुकसान आप भी करने वाले हो, कर रहे हो अभी। हुआ क्या सर, मैंने अपने सिस्टम में, मुझे एक्सेलसियर करना, सॉरी क्वार्ज करना था, क्वार्ज करने के लिए मैंने अपने पास डॉलर कलेक्ट किया, और जब मैं करने जा रहा था तो उस समय मैंने अपने सीनियर से बात की, और सीनियर एक्सेलसियर हो गया, वो क्वार्ज करने जा रहा था, मैं क्वार्ज करने जा रहा था। क्वार्ज के टाइम पे मैंने अपने सीनियर जो चौथे लेवल पे बैठे हैं, जिनको क्वार्ज का पैसा जाना था, अपग्रेडेशन का 40% जाता है, $400 जाता है दोस्तों, जो पर्ल पे बैठे, जरा सोचो, आप अपग्रेडेशन करके नहीं बैठे रहोगे, जिसको ज्वाइन करा दिया और वो अपग्रेडेशन मारेगा तो तुम्हारी जेब पैसा नहीं जाएगा। मैंने सर को फोन की, बोला सर से आप, मैं आज क्वार्ज करूंगा, तो सर ने बोला कि ब्रिटिश मेरे पास आज तो यार पैसा का व्यवस्था नहीं है, मैं अपना लेवल नहीं बढ़ाया हूँ, आप मेरे को टाइम दे दो एक दिन का, कल मैं कर लेता हूँ। दोस्त, जितने लोग बैठे हो जरा ध्यान से सुनो क्या हुआ सर के साथ। मैंने सर को बोला, सर आप
करने का आप टाइम ले लो ब्रजेश, कल दोपहर में 12 बजे करना को आज, मैं तब तक अपनी व्यवस्था कर लेता हूँ। मैं रुक गया अपनी टीम के भले के नाते, चलो मेरे सर थे उनके वजह से मैं सिस्टम में आया हूँ तो मेरा उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं रुक गया। अगले दिन फिर जब सुबह 10 बजे तो सर के जो सीनियर थे उन्होंने फोन किया, ब्रजेश आप उनका वेट मत करो वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा सर क्यों? बोले कि उनके पास ये अरेंजमेंट नहीं कर पाए कि वो अपना क्वार्ज कर ले, तो तुम तुरंत करो, लेट मत करो आप सर। उसके बाद मैंने फिर वापस अपने लेवल को अपग्रेड करता हूँ, अपग्रेड करने का इसका कमाल हुआ, नुकसान हो गया $400 हमारे सीनियर का चौथे लेवल पे जो बैठे थे। $400 का मतलब होता है 30,000 रुपया दोस्तों, 30,000 रुपए का लॉस किया मेरे सीनियर ने। और इस सिस्टम के भीतर अगर गलती से 2250 दे के आ गए हो तो सिस्टम को समझ लो, वरना घड़ी घड़ी नुकसान होता चला जाएगा। अभी तक अपनी जिंदगी में पूछला पता नहीं कितना नुकसान करके आए हो, कम से कम आपसे आंख की पट्टी खोलो, सिस्टम में आओ, सिस्टम को सीखो, सिस्टम से आगे बढ़ो, दुनिया में आपको इससे जल्दी करोड़पति कोई इंडस्ट्री नहीं बनाएगी आपको। तो सर बात तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन आज मैं नारी शक्ति का समय ले लिया हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। प्रतीक सर ने ऑलरेडी मुझे एडवाइस दी है कि आपको मैं मंडे को मौका दूंगा बोलने का, तो मैं मंडे को बोलूंगा। बाकी बातें सर इसके लिए मैं यही अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय सियाराम, जय परमात्मा।